दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही जबरदस्त खेती। सिर्फ 120 दिन में आप फसल उगाएंगे और आपकी एक एकड़ से जो कमाई है वो होगी 1 लाख रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक। और अगर आपके पास सिंचाई की व्यवस्था है तो आप इसी की 2 फसल ले सकते हैं साल में और तीसरी कोई फसल भी उगा सकते हैं, यानी कि आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं 3 फसलों के जरिए। और अगर आपकी खेती बरसात पर निर्भर करती है तो आप मानसून में ये फसल उगा सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है खीरे की, जिसे हम ककड़ी भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे कहते हैं क्यूकुम्बर। तो अगर आप क्यूकुम्बर उगाते हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और जो खीरा है वो हमारे भोजन का बहुत ही अहम हिस्सा है सलाद के तौर पर, और लोग इसे खाना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि ये पोषक तत्वों से भरपूर होता है। तो चलिए जानते हैं कि खीरे की खेती कैसे होती है, इसमें कितना प्रॉफिट है, कौन सी टॉप वेराइटीज़ है और पौधे लगाने की सही तकनीक क्या है और किस विधि से आप तुड़ाई करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा और बाज़ार में कैसे बेचना है, यानी कि A to Z जानकारी खीरे की खेती के बारे में हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपको बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए फ्रीडम ऐप। फ्रीडम ऐप पर एक पूरा कोर्स है खीरे की खेती के बारे में, जिसमें आप 1 एकड़ में साल में 25 लाख रुपए कमाना सीख सकते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है फ्रीडम ऐप फार्मिंग हिंदी चैनल में और मैं हूं आपके साथ कुमार धौन। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों जब हम खीरे की खेती करेंगे तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि खीरे के लिए उपयुक्त जलवायु और मिट्टी कैसी होनी चाहिए। दोस्तों खीरा है या भारत के लगभग सभी राज्यों में उगा सकते हैं, लेकिन वहां पर टाइमिंग्स अलग होगी क्योंकि हर राज्य का मौसम थोड़ा अलग है, ज़मीन की स्थिति अलग है और मौसम की परिस्थिति भी अलग है। तो भारत में, पूरे भारत के लगभग हर राज्य में आप खीरा उगा सकते हैं। जहाँ पर ठंड ज़्यादा है वहाँ पर आप ग्रीन हाउस का उपयोग कर सकते हैं, जहाँ पर भीषण गर्मी है वहाँ पर भी आप पॉली हाउस में खीरा उगा सकते हैं। तो खीरे के लिए अगर हम बात करें मिट्टी की, तो इसके लिए दोमट बलुई मिट्टी है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। आप इसे लाल मिट्टी में उगा सकते हैं, काली मिट्टी में उगा सकते हैं, आप चाहें तो उपजाऊ जो रेतीली मिट्टी है वहाँ पर भी उगाया जा सकता है। हर तरह की मिट्टी में आप खीरा उगा सकते हैं और आपकी ज़मीन का पीएच मान है वो 6 से लेकर 7 के बीच होना चाहिए, यानी कि पीएच मान आपका 6 से 7 होगा तो खीरे की खेती बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। और खीरे के लिए अगर हम तापमान की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान है वो खीरे की फसल के बहुत आदर्श माना जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड है वो खीरे की फसल को नुकसान पहुँचा सकती है और अगर बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी है या लू चलती है तो भी खीरे की फसल को नुकसान हो सकता है। तो तापमान है वो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक का है वो उपयुक्त है खीरे के लिए। और दोस्तों खीरे की फसल ये बहुत कम पानी में उगाई जा सकती है, 3 से 4 सिंचाई इसके लिए पर्याप्त रहती है 120 दिन में। और अगर आपके पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो आप मानसून में इसको बारिश पर भी उगा सकते हैं। जब हम खीरे की खेती करेंगे तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि खीरा की टॉप वेराइटीज़ कौन सी है, क्योंकि टॉप वेराइटीज़ की बुआई जब हम करेंगे तो उससे हमारा उत्पादन है वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो वेराइटीज़ की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आती है स्वर्ण पूर्णिमा, ये बहुत ही ज़बरदस्त वेराइटी है। वेराइटी के साथ खेती शुरू करते हैं तो 45 दिन बाद आपको खीरे का उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है और इस वेराइटी से बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन होता है। 1 हेक्टेयर में 200 से लेकर 250 क्विंटल खीरे का उत्पादन होता है। 1 एकड़ की बात करें तो इसमें 80 क्विंटल से लेकर 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है और ये बहुत ही अच्छी पैदावार है। और दोस्तों दूसरे नंबर पर है कल्याण ग्रीन, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। इसको अगर आप उगाते हैं तो ये बुआई के 40 दिन बाद आपको प्रोडक्शन देना शुरू कर देती है और इस वैरायटी से आप 1 हेक्टेयर में 100 क्विंटल से लेकर 150 क्विंटल तक की पैदावार ले सकते हैं। और अगर 1 एकड़ की बात करें तो यहाँ पर 40 क्विंटल से लेकर 60 क्विंटल तक इसकी पैदावार आपको मिल सकती है। आपकी पैदावार ज़मीन की उपजाऊपन और मौसम की परिस्थिति पर निर्भर करती है। और दोस्तों तीसरी वैरायटी है वो है हिमांगी, यह भी बहुत ज़बरदस्त वैरायटी है। इस वैरायटी को अगर आप उगाते हैं तो आपको 40 से 45 दिन बाद इसका प्रोडक्शन मिलना शुरू हो जाता है और प्रति हेक्टेयर इसका जो उत्पादन है वो लगभग 100 क्विंटल से लेकर 120 क्विंटल तक होता है। 1 एकड़ में अगर उत्पादन की बात करें तो 40 से 50 क्विंटल आपको पैदावार मिल सकती है और इस वैरायटी की खास बात यह है कि आप इसको रोज़ तोड़ सकते हैं, यानी कि हर रोज़ आपको इसकी तुड़ाई करनी होती है। और एक और वैरायटी है दोस्तों खीरा 75, यानी कि खीरा 75, यह भी बहुत अच्छी वैरायटी है। इसका उत्पादन है वो लगभग 45 दिन बाद शुरू हो जाता है और प्रति हेक्टेयर इसका जो उत्पादन है वो लगभग 80 क्विंटल आपको मिल सकता है। 1 एकड़ में आपको उत्पादन देगी लगभग 30 से 35 क्विंटल और इस
वैरायटी में आपको हर दूसरे दिन यानी कि दो दिन के अंतराल पर आपको फलों की तुड़ाई करनी होती है और उनको बाजार में पहुंचाना होता है। और दोस्तों इनके अलावा प्रिया, स्वर्ण, शीतल और पूसा उदय और स्ट्रेट एट, ये वो वैरायटीज है, इनकी भी आप फसल ले सकते हैं और ये भी अच्छा उत्पादन देती हैं। तो बात हुई दोस्तों ये वैरायटीज की कि कौन सी वैरायटी आप खीरा उत्पादन के लिए उपयोग में ले सकते हैं। दोस्तों पूरे भारत में ये वैरायटीज उगाई जा सकती हैं, चाहे आप उत्तर भारत के किसान हैं या फिर दक्षिण भारत के किसान हैं। तो दोस्तों खीरा जब आप उगाने जाएंगे तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा वक्त यानी कि समय कौन सा सही है खीरे की खेती के लिए और बीज रोपने का सही तरीका क्या है यानी कि तकनीक क्या है। दोस्तों अगर हम खीरे की बात करते हैं तो भारत के अलग अलग राज्यों में इसका अलग अलग वक्त है। उत्तर भारत के राज्यों की बात करें, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड की, तो वहाँ पर आप इसको मार्च महीने से लेकर नवंबर तक कभी भी लगा सकते हैं, यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक कभी भी इसकी उत्पादन ले सकते हैं, कभी भी इसकी खेती कर सकते हैं। और अगर आप दक्षिण भारत के किसान हैं तो आप इसको नवंबर महीने में इसकी खेती कर सकते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में नवंबर का मौसम है, नवंबर महीने का मौसम है, इसके लिए बहुत उपयुक्त है। अगर आप पहाड़ी राज्यों से ताल्लुक रखते हैं, पहाड़ी राज्यों के किसान हैं, जैसे पूर्वोत्तर के किसान हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के किसान हैं, तो आप मार्च अप्रैल में इसकी खेती कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मौसम इस लिहाज से होता है कि खीरे का उत्पादन बंपर मिलेगा। तो ये तो बात हुई दोस्तों मौसम की। जब आप खीरे की खेती शुरू करेंगे तो उससे पहले अपने खेत को बहुत अच्छे से तैयार कर लें, उसको कल्टीवेट कर लें, गहरे हल से उसकी जुताई कर लें और उसमें कम से कम 15 से 20 टन है प्रति एकड़ गोबर की खाद डालें और गोबर की खाद से आपके खीरे की जो फसल है वो बहुत अच्छा उत्पादन देगी। आपका खेत है उसमें नमी ज़्यादा वक्त तक बनी रहेगी और आपका खेत है वो कम पानी में ज़्यादा पैदावार देगा। और आप खीरा उगाने से पहले प्रति एकड़ 25 किलो नाइट्रोजन खाद भी छिड़क सकते हैं और जब आपका खीरा उग जाए, पौधे तैयार हो जाएं, तब भी आप आवश्यकता के मुताबिक समय समय पर नाइट्रोजन खाद या दूसरी पोटाश खाद है उनका उपयोग कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं। और दोस्तों अब बात आती है कि खीरे को लगाना कैसा, यानी कि खीरे की जो फसल है उसको आप कैसे पौधों को रोपेंगे, उसकी तकनीक क्या होनी चाहिए। दोस्तों खीरा अगर आप उगाना चाहते हैं, उसकी खेती करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए अपने खेत में मेड़ बनानी होगी यानी कि डोलियाँ बनानी होगी। हर एक 4 फीट पर यानी कि एक डोली से दूसरी डोली के बीच है वो डिफरेंस है, आपका फ़र्क है वो लगभग आप 4 फीट रखें तो बहुत अच्छा है। 3 से 4 फीट आप फर्क रख सकते हैं और आपकी जो डोली है वो लगभग 1 से 1.5-2 फीट चौड़ी हो, उससे आपका जो फसल है वो पौधा है, बेल है एक तरह से खीरे की, वो बहुत अच्छे से तैयार होगी और इससे आपका प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा होगा। जब आप अपने खेत में डोली बना ले, कतार बना ले, उसके बाद आप उस पर 1 से 2 फीट के डिस्टेंस पर या 2 से 2.5 फीट की डिस्टेंस पर आप उस पर पौधे रोप सकते हैं, इससे बहुत अच्छा फैलाव मिलेगा आपके पौधों को और बम्पर उत्पादन होगा। दोस्तों जब आप खीरे की बुआई शुरू करेंगे तो आपको कितना बीज चाहिए होगा, 1 एकड़ में अगर आप देसी किस्म का अगर खीरा उगाते हैं तो आपको लगभग 3 किलो बीज चाहिए होगा 1 एकड़ के लिए, और अगर आप हाइब्रिड किस्म का उपयोग करते हैं तो आपको लगभग 2 किलो बीज चाहिए होगा 1 एकड़ के लिए। और अब बात आती है दोस्तों खीरे की फसल को सिंचाई कितनी चाहिए। खीरा दोस्तों बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता इसको नहीं होती है, पूरे सीज़न में यानी कि जब आप खीरा रोपेंगे यानी कि बीज रोपेंगे उसके बाद से लेकर फसल पकने तक 120 दिन का जो इसका टेन्योर है लगभग 4 महीने का, उसमें आपको लगभग 3 से 4 सिंचाई इसकी करनी होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी इसको नहीं चाहिए होता। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा मौसम गर्म है, तो आप इसको हर 7 से 15 दिन के अंतराल में यानी कि 10-15 दिन के अंतराल में आप इसको पानी दे सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। और अगर बारिश का मौसम है तो हो सकता है कि आपको पानी इसके लिए नहीं देना पड़े, और अगर मौसम ठंडा है जैसे अक्टूबर नवंबर का महीना है तो आप इसको 20 दिन में या 20 दिन के अंतराल पर पानी दे सकते हैं। तो खीरा है बहुत कम पानी में हो सकता है, और अगर आपके पास पानी की व्यवस्था नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, तो आप बारिश के मौसम में, मानसून के सीज़न में यानी कि जुलाई से लेकर अक्टूबर या नवंबर तक इसकी खेती कर सकते हैं सिर्फ बारिश पर। दोस्तों जब आपका खीरा उग जाए, फसल तैयार हो जाए, तो इसमें आप निराई गुड़ाई जरूर करें, इससे पानी की आवश्यकता कम होती है और फसल का फैलाव बहुत अच्छा होता है, पौधे बहुत अच्छे से पनपते हैं। दोस्तों खीरे की जब हम पैदावार लेते हैं, फसल उगाते हैं, तो उसमें कुछ बीमारियां भी लगती हैं और उनका उपचार हमें करना होता है। दोस्तों जो खीरे में सबसे ज़्यादा जो बीमारी लगने वाली है वो है चूर्णी फफूंद।
ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको एक महीने बाद, ये बीमारी जब लगना शुरू होती है उसके एक महीने बाद आपको इसका पता चलता है। और इस बीमारी में जो खीरे के पौधे के पत्ते हैं उसमें सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं, तो आपको इसका रोकथाम है वो करनी होती है। दोस्तों, चूर्णी फफूंद के अलावा फल मक्खी रोग भी इसमें लगता है, बीज गलन रोग भी लगता है, और इसके अलावा सुंडी भी पड़ जाती है, क्योंकि खीरा बहुत टेस्टी होता है, स्वादिष्ट होता है, तो खीरे को सुंडी यहाँ पर खाने के लिए आ जाती है, तो आपको उनकी रोकथाम करनी होती है। इसमें भी आप जैविक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चाहें तो केमिकल पेस्टिसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन से रोग लगते हैं, उनकी रोकथाम कैसे होगी, इसकी पूरी डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इसी वक्त फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। फ्रीडम ऐप पर एक पूरा कोर्स है खीरे की खेती को लेकर, क्यूकम्बर फार्मिंग पर एक पूरा कोर्स है, और ये कोर्स आपको बताएगा कि खीरे की खेती शुरू करने से लेकर आखिर तक उसकी कैसे देखभाल करनी है, और तमाम चीज़ें आप इसमें सीख पाएंगे। और फ्रीडम ऐप डाउनलोड करने के लिए जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो फ्रीडम ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों, ये तो बात हुई कि खीरा जब आप उगाएंगे तो रोग लगेंगे, उनकी आप रोकथाम कर लेंगे। जब फसल तैयार हो जाएगी उसको आपको कैसे हार्वेस्ट करना है, यानी कि फलों की कैसे तुड़ाई करनी है, कितनी इससे कमाई होगी और बाज़ार में आप इसको कैसे बेच सकते हैं। दोस्तों, जब आपका खीरे का पौधा 40 से 45 दिन का होता है तो उसमें पैदावार मिलनी आपको शुरू हो जाती है, फल बनकर तैयार हो जाते हैं, तब आपको बहुत सही तरीके से कैंची की मदद से या चाकू की मदद से उनको पौधे से तोड़ना है, काटना है। इसके बाद आप उसको बाज़ार में पहुंचा सकते हैं, सही तरीके से पैकिंग करके बाज़ार में पहुँचाएँ ताकि फल को डैमेज ना हो, कोई नुकसान ना पहुँचे। अगर आपका फल ताज़ा या सही स्थिति में बाज़ार में पहुँचेगा तो बहुत अच्छी आपको इसकी कीमत मिलेगी। और अगर आप अपनी फसल को बड़े शहरों में बेच पाएँ तो आपको ज़्यादा भाव मिलेंगे, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर या ऐसे कोई बड़े शहर जो आपके पास के हैं, जयपुर, चंडीगढ़ या फिर लखनऊ जैसे शहर अगर आपके आसपास हैं तो आप वहाँ पर अपनी फसल को बेच सकते हैं, और या फिर अपने नज़दीक की जो सब्ज़ी मंडी है वहाँ पर भी आप इसको बेच सकते हैं और वहाँ पर भी अच्छा भाव ले सकते हैं, अगर आप अच्छे से पैक करके सही ढंग से अपनी फसल को बाज़ार पहुँचाएंगे तो। अब बात आती है दोस्तों कि खीरे की फसल उगाने पर कमाई कितनी होगी। अगर आप खीरे की फसल उगाते हैं तो आपका जो उत्पादन है वो लगभग 40-50 क्विंटल से लेकर आपका 100 क्विंटल तक उत्पादन हो सकता है, क्योंकि ये वैरायटी पर निर्भर करता है, आपकी सिंचाई की व्यवस्था पर निर्भर करता है और आपके खेत की उपजाऊपन जो क्षमता है उस पर निर्भर करता है कि आपका उत्पादन कितना होगा। 40 क्विंटल से लेकर 100 क्विंटल तक इसका उत्पादन हो सकता है, 80-100 क्विंटल तक उत्पादन आपको मिल सकता है अगर आप बहुत बेहतर ढंग से इसकी खेती करते हैं तो। तो इससे कमाई की बात करें तो खीरे का जो बाज़ार भाव है, अगर हम देसी वैरायटी की बात करें तो खीरे का बाज़ार भाव औसतन आपको प्रति क्विंटल 1500 रुपये से लेकर 2000 रुपये भाव मिलता है, यानी कि प्रति किलो है वो 15 रुपये से लेकर 20 रुपये प्रति किलो तक आपको भाव मिलता है। तो इस लिहाज से आपकी जो कमाई है वो लगभग 1 लाख रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक हो सकती है, अगर आप देसी वैरायटी का खीरा उगाते हैं, देसी वैरायटी की ककड़ी अगर आप उगाते हैं तो। और दोस्तों, अगर आप अच्छी वैरायटी उगाते हैं, हाइब्रिड किस्म उगाते हैं, बहुत अच्छे से खेती करते हैं तो आपकी कमाई है वो बढ़ जाती है, यानी कि जो हाइब्रिड वैरायटी है उसके भाव थोड़े ज़्यादा हैं। हाइब्रिड वैरायटी के भाव हैं वो 3000 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 4000 रुपये प्रति क्विंटल तक होते हैं, यानी कि 30 रुपये किलो से लेकर 40 रुपये किलो तक। इस लिहाज से अगर आपका प्रोडक्शन 50 क्विंटल होता है, 50 से 80 क्विंटल होता है, तो आपकी जो कमाई है वो लगभग 1 लाख रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये से लेकर 2.5 लाख रुपये तक पहुंच सकती है, अगर आप बहुत अच्छे से इस खेती को करते हैं, सही ढंग से फसल को उगाते हैं तो। तो दोस्तों, खीरे की फसल है वो सिर्फ 120 दिन की फसल है, 4 महीने की है, और आप इसमें 1 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपये तक की कमाई कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये कमाई है, बहुत अच्छे से आप इस खेती को कर सकते हैं, बहुत आसान है इसको उगाना, और आप बारिश के मौसम में, मानसून सीजन में बिना किसी सिंचाई के इसकी खेती कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा आइडिया है फार्मिंग का। अगर आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करेंगे तो फ्रीडम ऐप आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा। उस पर एक पूरा कोर्स दिया हुआ है जिसमें ग्रीन हाउस में अगर आप खीरा उगाते हैं तो आप 1 एकड़ से साल में 25 लाख रुपये कमा सकते हैं। ये हमारे मेंटर के साथ आप सीख सकते हैं और इस कोर्स के जरिए आप पूरी खेती के बारे में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आपको फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और आप चाहें तो प्ले स्टोर पर जाकर भी फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके काम का है, तो आप इस वीडियो